From 12th class English textbook, we have started 1.8 lesson, Voyaging Towards Excellence, written by Achyut Godbole. And we have begun with the lesson also. And we have seen some part where we have studied that how did a writer Achyut Godbole got a background of a love for music and literature, and so that he has said that I had a rich childhood, and that is culturally a rich childhood. ठीक है, इसका explanation आपको बताया था last part में. तो अभी हम second part begin करते हैं यहाँ से. अभी let us begin. Most of the times the topics of discussion at our home were about music, literature, paintings, sculptures, etc. Okay, तो यहाँ पे इनके घर में जो discussion जो होता था mainly वहाँ पे होता था about music, literature, painting and sculpture के बारे में. और वो कहते हैं I could listen to the discussions about Van Gogh. Van Gogh. तो यहाँ पे discussion जो होता था वो वैन गॉज के बारे में होता था. साथ ही में वहाँ पे डिस्कशन होता था उनका मोजार्ट के बारे में और माइकल एंजेलो. तो ये सभी जो है दीज आर द ग्रेट फिगर्स इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर. ओके, तो ये ग्रेट नेम है और इनके बारे में डिस्कशन उनके घर में हुआ करता था. फिर वो कहते इट वॉज बिकॉज ऑफ सच अ मिल. ओके, तो इसका प्रोनंसिएशन आपको जो करना है वो है मिल. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इट वॉज बिकॉज ऑफ सच अ मिल. मिल मीन्स हियर दैट इज अ सेटिंग और सोशियल एनवायरमेंट. तो यहाँ पे उनको एक तरह से इस तरह का सोशल एनवायरमेंट मिला. तो वो कहते हैं कि अ मिल अराउंड मी that I had a firm belief which I still hold that. तो उससे बोले एक belief बना, मेरा firm belief बना, एक खासा आत्मविश्वास उनको मिला और उनकी एक धारणा हुई, उनकी एक belief बन पाया. और वो कौन सी belief है वो कहते हैं which I still hold, और बोले मैं आज भी उस पर टिका हुआ हूँ. still I believe that thing, and what is it? that All arts are equally, if not more, important in our lives than science or technology. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसी तरह से इफ नॉट मोर, इसको आपको खासा आपको थोड़ी सी अहमियत देनी है आपको. इफ नॉट मोर यानी नंदिलेस, कम भी नहीं, द सेम वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से आर्ट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो हमारी ज़िंदगी में आर्ट्स उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये सेंटेंस का मीनिंग है, समझ में आया आपको. देन आई हैड लर्न्ड फ्रॉम माई चाइल्डहुड दैट मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ. तो बचपन से उनको एक घर से जो संस्कार मिले, तो एक तरह से कल्चरल एनवायरनमेंट था, घर पे डिस्कशन हुआ करता था, घर पे ग्रेट राइटर्स आया करते थे जैसे कि वहाँ पे विंदा करंदीकर हो गए, उसके बाद में मंगेश पाडगांवकर हो गए, वसंत बापट जैसे पोएट उनके यहाँ पे आया करते थे, उनके घर को विजिट करते थे. उसके बाद में ग्रेट सिंगर्स लाइक पंडित कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, दे ऑल्सो यूज टू विजिट हिज प्लेस and they had discussion of various type about the writers and again about the singer or again the Indian music. That was the part of discussion, as well as they used to discuss about the music, literature, paintings, sculptures also, जो आज हमने देखा. ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों की वजह से he developed interest about it and he understood that money does not mean everything in life. Okay, it is a great lesson that he learnt in his life because of this discussion, because these were imprints on his mind, that was the impression on his mind. Again he is saying that it is necessary
ओके, सो इट इज़ नेसेसरी, यानी व्हाट इज़ नेसेसरी, मनी। तो मनी एक मींस है हमारे जीने के लिए। इसके पहले हमने मनी पोएम पढ़ी है, तो यहाँ पे वो फिर से एक दूसरे एक हमें एक राइटर हमें मिले हैं कि जो कहते हैं कि मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ, इट इज़ नेसेसरी, बट इफ़ एट ऑल देयर इज समथिंग विच एनरिचेस अवर लाइव्स एंड पुट्स मीनिंग टू अवर एग्जिस्टेंस, इट इज़ द आर्ट्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर। तो हमें पैसे के अलावा और कुछ है कि जो हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, एनरिच करता है, ओके? तो वो क्या है? एनरिच करना यानी रिच करना, यानी हमारे लाइफ को एक तरह से संपन्न बनाना, ओके, मेक ब्यूटीफुल। और वो क्या है? दैट इज आर्ट्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर, विच मेक्स अवर लाइफ मोर मीनिंगफुल एंड इट एनरिचेस अवर लाइव्स, ओके, एंड इट गिव्स अ मीनिंग टू अवर एग्जिस्टेंस। तो हमें जीने की राह, सच्ची राह जो है, हमारा लाइफ का सच्चा एक तरह से मीनिंग जो है हमें समझ में आता है बिकॉज ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, ठीक है। इसके बाद में वो कहते हैं, दिस इज नॉट टू से दैट आई डिड नॉट लाइक साइंस और मैथमेटिक्स, यानी बोले इसका मतलब ये नहीं है कि आई डिड नॉट लाइक साइंस और मैथमेटिक्स, यानी मैं एक तरह से जिस तरह से आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर का फेवर कर रहा हूँ, इनको सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, और मनी को मैं टाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज़िंदगी में साइंस और मैथमेटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बल्कि वो कहते हैं कि इन फैक्ट आई लव दिस सब्जेक्ट्स, विच सब्जेक्ट्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स, हाउएवर आई डिड नॉट स्टडी देम ओनली फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। तो बोले इन सब्जेक्ट को मैंने स्टडी जो है वो केवल अच्छी स्कोरिंग करने के लिए या फिर मैक्सिमम मार्क्स मिलाने के लिए एग्जामिनेशन में, आई डिड नॉट स्टडी दो सब्जेक्ट्स, आई यूज टू स्टडी दिस सब्जेक्ट्स और एनी सब्जेक्ट्स फॉर दैट मैटर फॉर इट्स इनहेरेंट ब्यूटी। इनहेरेंट का मीनिंग आपको दिया हुआ है वहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। तो इनहेरेंट यानी एग्जिस्टिंग समथिंग एज परमानेंट, ओके। तो किसी में वो जैसे वास करना जो बोलते हैं कि नहीं, तो उनमें होना, तो वो कहते हैं यहाँ पे कि इनमें एक तरह से वो क्वालिटी होना, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इनहेरेंट यानी बी अ पार्ट ऑफ, ठीक है। तो वो कहते हैं यहाँ पे कि फॉर दैट मैटर फॉर इट्स इनहेरेंट ब्यूटी आई फाउंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है आई फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल, ओके, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सुंदर लगा वो मुझे। एंड पाइथागोरन थ्योरम एलिगेंट, तो पाइथागोरियन थ्योरम जो है, तो पाइथागोरस ने जो एक तरह से थ्योरम रखा हुआ है, तो वो मेरे को एलिगेंट लगा, दैट इज एलिगेंट, दैट इज ग्रेसफुल, ओके, वो मेरे को बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, मेरे को बहुत ही वो एलिगेंट लगा, ग्रेसफुल लगा वो, ओके, सो मार्वलस। आई लव्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ द नाइन्थ स्टैंडर्ड व्हेन आई वाज इन सेवन्थ। तो वो कहते हैं यहाँ पे कि मैं जब सातवीं क्लास में था तो उसी वक्त मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट जो है वो नाइन्थ स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम्स में छुड़ाया करता था। जब मैं सातवीं क्लास में था, सातवीं कक्षा में था मैं, तब मैं नवीं क्लास के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स छुड़ाया करता था। नॉट टू शो ऑफ, शो ऑफ करना यानी दिखावा करना, तो यहाँ पे बोले कोई दिखावा करने के लिए वगैरह नहीं, बट जस्ट बिकॉज आई यूज टू गेट इन्वॉल्व इन सॉल्विंग देम। तो मुझे, मैं एक तरह से खुद को भूल जाता था, एंड अगेन आई वुड रियली लाइक टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड आई वुड जस्ट गेट लॉस्ट, ओके, मैं खुद को भूल जाता था जब मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करता था। आई यूज टू लव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज टू एन्जॉय फाइंडिंग आउट द मोस्ट एलिगेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग देम। तो यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ है, एक पहली है दैट इज लव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो कहते हैं कि आई यूज टू लव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक क्वेस्ट होती है हमें, दैट इज़ वेरी यूजफुल।
सेकंड, उन्होंने टू एंजॉय फाइंडिंग आउट द मोस्ट एलिगेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग द, सबसे एलिगेंट अट्रैक्टिव ग्रेसफुल मेथड कौन सी है उनको छुड़ाने की, शॉर्टेस्ट वे, इजीएस्ट वे और अट्रैक्टिव भी, तो ऐसी कौन सी ग्रेसफुल मेथड है वो हमेशा ढूंढते रहते थे और वो ग्रेसफुल मेथड फाइंड आउट करने के लिए वो प्रॉब्लम को छुड़ाया करते थे और उसमें खो जाते थे, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें उन्होंने बताई है, टू लव दैट ही लव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेकंड वन ही वुड एन्जॉय फाइंडिंग आउट द मोस्ट एलिगेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग देम। ओके, देन ऑब्वियसली दीज प्रॉब्लम्स वे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो ये प्रॉब्लम जो होते हैं इस तरह से एलिगेंट मेथड या फिर लविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये चीज़ें जो है बोले वो एक्चुअली वो करिकुलम का पार्ट नहीं है। हमें प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उस मेथड से ही सॉल्व करना होता है, अपना तरीका वहाँ पे हम नहीं यूज़ कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सम ऑफ द टाइम इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है। तो वैल्यूअर जो है अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो शायद हमें जीरो मार दे दे, क्योंकि ये टेक्स्ट में दिया ही नहीं बोलेगा वो। तो इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि एक्चुअली दिस प्रॉब्लम्स वे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम बट आई एन्जॉयड द होल प्रोसेस, लेकिन उनको बड़ा मजा आता था ये सब ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। दिस एटीट्यूड ऑफ लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स और एग्जामिनेशंस, तो ये एटीट्यूड जो है उन्होंने अभी एक एटीट्यूड कहा है, वो कौन सा एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स और एग्जामिनेशंस, ठीक है, ये एटीट्यूड। और सेकंड चीज़ उन्होंने जो बताई यहाँ पे, टू सीक जॉय इन सॉल्विंग एनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम, दो चीज़ें बताई उन्होंने, यह है दूसरी और यह है पहली वाली। पहली वाली कौन सी है, एटीट्यूड ऑफ लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स और एग्जामिनेशन, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाना, ये उन्होंने कभी नहीं किया। और दूसरी, ही वुड गेट अ ग्रेट जॉय, सीक यानी टू फाइंड आउट जॉय इन सॉल्विंग एनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम दैट हेल्प्ड मी टू डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। और ये इस तरह से ये दो चीज़ों की वजह से, लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स और सेकंड टू गेट अ जॉय इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स। ओके, तो इससे क्या हुआ कि ही कुड डेवलप, व्हाट ही कुड डेवलप, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। इससे क्या हुआ, इन दो चीज़ों का इफेक्ट क्या हुआ उनके ऊपर, उनका एटीट्यूड बनते गया। और वो कौन सा एटीट्यूड बनते गए यहाँ पे, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उनका बनते गया यहाँ पे, विच केम हैंडी, विच वॉज वेरी हेल्पफुल, ओके, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, ओके, हिज एटीट्यूड केम हैंडी व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माय आईआईटी एंट्रेंस जेईई, बिकॉज दिस एग्जाम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन यूअर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टू थिंक नॉट ओनली लॉजिकली बट क्विकली एंड रैपिडली। तो उन्होंने कहा कि बोले ये जो एटीट्यूड मेरा डेवलप हुआ था, कौन सा एटीट्यूड देखा हमने इसको, कौन सा एटीट्यूड, दैट इज लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स और एग्जामिनेशन, और दूसरा यानी टू सीक जॉय इन सॉल्विंग एनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम, इससे उनको हेल्प ही हुई। और वो कौन सी, कि उनका एक एटीट्यूड बनते गया वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, जिससे उनको मदद हुई इसकी उनके आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम जो है वो बेस्ड ऑन होती है, वो डिपेंड होती है काय के ऊपर, यूअर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड द एबिलिटी टू थिंक नॉट ओनली लॉजिकली बट क्विकली एंड रैपिडली। तो वो टेस्ट उसी के लिए होती है, जो टेस्ट चेक करती है, क्या चेक करती है, आपकी एबिलिटी, आपकी क्वालिटी चेक करती है। कौन सी क्वालिटी चेक करती है, वो टू थिंक नॉट ओनली लॉजिकली, कि आपकी लॉजिकली आपकी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, लॉजिकली आपने सोचना चाहिए, और साथ ही में क्विकली एंड रैपिडली आल्सो, ठीक है। ये दो चीज़ों के लिए ये एग्ज़ाम ली जाती है, और उस एग्ज़ाम में वे क्वालिफाई कर पाए बिकॉज ऑलरेडी ही हैड दैट एटीट्यूड। ओके, देन आगे में वो कहते हैं कि
आई स्कोर्ड 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशंस दैट आई अपीयर्ड फॉर फ्रॉम माई फर्स्ट स्टैंडर्ड अंटिल IIT बारिंग ओनली अ फ्यू टाइम्स, यानी बारिंग ओनली यानी एक्सेप्ट अ फ्यू टाइम्स, कुछ ही बार फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके उनके IIT तक के जो उनकी जर्नी जो रही है उसमें हर बार मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में उनको आउट ऑफ ही मार्क्स मिले, और ये आउट ऑफ उनके मार्क्स जो है एक्सेप्ट कुछ यानी कुछ अपवाद है उसके लिए, कुछ ही बार ऐसे हुआ कि जब उनको 100 मार्क्स नहीं मिले, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स फ्रॉम हीज फर्स्ट स्टैंडर्ड टू IIT, ये जो उनकी जर्नी है करीबन 15 से 18 साल की, तो इस जर्नी में हमेशा उन्हें आउट ऑफ मार्क्स से उन्होंने स्कोर किए। वो आगे में उनका अचीवमेंट और एक बताते हैं कि आई स्टूड, वो कहते हैं यहाँ पे कि आई स्टूड 16th इन SSC बोर्ड, वो 10वीं का जो बोर्ड होता है उसमें उनकी 16वीं रैंक थी। एट दैट टाइम दिस एग्जामिनेशन वॉज फॉर द होल ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूडिंग नागपुर। ओके, तो पूरे महाराष्ट्र में जो SSC बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, अलग अलग बोर्ड है यहाँ पे, तो इन बोर्ड में जो एग्ज़ाम ली जाती है, तो यहाँ पे वो बोले पूरे महाराष्ट्र में वो 16th रैंक होल्डर थे इंक्लूडिंग नागपुर। अगेन आई स्टूड फर्स्ट, और फर्स्ट आए कब, इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए इन ऑल सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट मिला के उनके यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक बनी थी उस साल। दोज डेज यू कुड गेट एन एडमिशन इनटू IIT विदाउट द एंट्रेंस टेस्ट इफ यू हैड सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द यूनिवर्सिटी। बोले उन दिनों में ऐसा था कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक मिली है तो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होती है JEE की, वो देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको देनी पड़ी। क्यों? देयरफोर आई डिड नॉट हैव टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट टू गेट द एग्जामिनेशन इन टू IIT, बट नोबडी इन सोलापुर टोल्ड मी अबाउट इट। ओके, तो सोलापुर में उन्हें किसी ने बताया नहीं कि बोले आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं एंट्रेंस टेस्ट, काहे के लिए, IIT में एडमिशन के लिए। लेकिन सोलापुर में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसे पता था कि एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं होती यूनिवर्सिटी टॉपर को, लेकिन ये पता नहीं होने की वजह से उनको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देनी पड़ी। फॉर आई डाउट, ओके, इफ एनीबडी इन सोलापुर इवन न्यू अबाउट दिस रूल। तो बोले वो मैं तो एक तरह से डाउटफुल था कि शायद ही किसी को ये चीज़ पता हो इन कोल्हापुर कि बोले एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है करके यूनिवर्सिटी टॉपर को, तो इसलिए किसी ने उन्हें बताया नहीं, किसी को पता था नहीं, शायद ही किसी को पता हो। ओके, और इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम दी और उसका रिजल्ट क्या आया, देयरफोर आई अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड आई सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक इन द सेम। तो यहाँ पे उन्हें एग्जामिनेशन उन्होंने दी और यहाँ पे भी उन्हें अच्छा खासा स्कोर उन्होंने किया, तो IIT में भी उनका स्कोर अच्छा रहा। ठीक है, IIT में नहीं यानी एंट्रेंस एग्जाम दैट इज टेकन फॉर IIT एडमिशन, तो यहाँ पे भी उन्होंने अच्छे स्कोर किया जिसके वजह से उनको एक रास्ता खुल गया और IIT में बिना झिझक उन्हें IIT मुंबई में एडमिशन मिली। ठीक है, तो सोलापुर से अभी वो मुंबई IIT पढ़ने के लिए अभी जाने वाले हैं। आगे क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे, स्टूडेंट थोड़ा रुकेंगे अभी यहाँ पे हम लोग। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि एक बैकग्राउंड उनको मिला, और वो बैकग्राउंड कौन सा कहते हैं, वो मिले, आपको ये वर्ड बताया मैंने, मिले अराउंड, तो मिले का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है सेटिंग और सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये उनको मिला जिसकी वजह से साइंस टेक्नोलॉजी और साथ ही में लिटरेचर हो गया या फिर बाकी चीज़ें जो है आर्ट म्यूज़िक इनमें भी उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ।
तो यहाँ पे हमने परसों क्वेश्चन देखा था एक कि हाउ डू आर्ट्स म्यूजिक एंड लिटरेचर एनरिच अवर लाइव्स। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें से आपकी आइडिया क्लियर हुई होंगी कि आर्ट्स म्यूजिक एंड लिटरेचर जो है वो हमें एनरिच कैसे करते हैं। तो इससे हमें अच्छा खासा एक ब्यूटी हमारी डेवलप होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हमें सेंसिटिव बनाती है और दूसरों के बारे में सोचने के लिए, अच्छी चीज़ों को प्रेज करने के लिए हमें वो सिखाती है, अच्छा क्या है ये हमें पता चलता है। ओके, और एक रहने का अच्छा ढंग भी हमें मिलता है लिटरेचर से। ओके, तो अच्छाई बुराई की समझ हमें इन चीज़ों से आती है। सो दिस थिंग्स दे रियली एनरिच आवर लाइव्स। और एक थर्ड क्वेश्चन है व्हाई शुड यू स्टडी एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हर एक सब्जेक्ट में क्या होती है, देर इज़ अ ब्यूटी इन एवरी सब्जेक्ट। उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि बोले मेरे को जैसे म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर पसंद था, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंस और टेक्नोलॉजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो दोनों में उनका इंटरेस्ट था। हालांकि वो कहते हैं कि साइंस और मैथमेटिक्स दे वेयर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स में उन्हें तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से IIT तक के, उनके ग्रेजुएशन तक के पूरी तरह से 100 उनका स्कोर हुआ एक्सेप्ट सम ऑफ द टाइम्स। ओके, तो ऑल दोज थिंग्स दे टीच अस दैट इन एवरी सब्जेक्ट देर इज़ अ ब्यूटी एंड इफ़ यू रियली एन्जॉय स्टडिंग, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू एक्वायर नॉलेज, यू कैन डू अ लॉट। ठीक है, ये उसका आंसर है। तो यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ है, आपको इनको देखना है, सॉल्व करना है इनको। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है और इनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ध्यान से वीडियो को देखिए। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया। इसके बाद की जर्नी जो है उनकी, ये हम बाद में देखेंगे। बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है इनको ज़िंदगी में, अगले वीडियो में उसको हम स्टडी करेंगे। अनटिल देन सी यू, गुड बाय।